अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास सोशल स्टडी की बुक्स खोले पेज नंबर 67 चैप्टर नंबर 11। कल हम पढ़े थे मनी एंड बैंक्स। कल हमने पढ़ा था मनी के बारे में कि पुराने वक्तों में जब पैसे नहीं थे तो चीज़ों की खरीदो फरोख्त जो थी ये चीज़ों के तबादले से की जाती थी और इस सिस्टम को इस निज़ाम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जी आगे से पढ़ते हैं। अंडर बार्टर सिस्टम गुड्स वर आल्सो एक्सचेंज फॉर सर्विसेज। For example, a landlord would give some grain or vegetables to his workers in return to the services rendered by them. इतने पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये जो चीज़ों का तबादला था ये खिदमात के तौर पर भी किया जाता था। यानी मिसाल के तौर पर एक ज़िम्मेदार अपने कारकुनों को या अपने काम करने वालों को उनकी खिदमात के सिले में ग्रेन यानी गल्ला या वेजिटेबल्स यानी सब्जियां दिया करता था। सम टाइम इट वाज डिफ़िकल्ट टू डू बिजनेस इन एक्सचेंज बिकॉज गुड्स हैड नो फिक्स्ड वैल्यू। दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी विच हैड अ फिक्स्ड प्राइस। बाज़ औक़ात ये बहुत मुश्किल हो जाता था इस तरह कारोबार करना क्योंकि चीज़ों की कोई मुकर्रा कीमत नहीं थी। ये मसला पैसों के मुतारिफ होने से ये मसला हल कर लिया गया क्योंकि पैसों की एक फिक्स कीमत होती है। आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग द वैल्यूएबल थिंग्स। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी वाज कॉइन। कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। हज़ारों साल बाद पैसे मुतारिफ हुए थे। पैसों की जो सबसे इब्तदाई शक्ल थी सबसे पहली शक्ल थी वो था सिक्का। सिक्के तब तांबे चांदी और सोने के बने होते थे। पैसे क्यों मुतारिफ हुए थे? इसलिए कि इनकी एक वैल्यू होती थी, इनकी एक फिक्स प्राइस होती थी यानी मुकर्रा कीमत होती थी जिससे चीज़ें खरीदी और बेची जाती थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल आगे से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।